चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने दो मस्जिद बनवाई, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए खारिज। अगला है, महमूद के दरबार में अलवरणी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। अगला है, गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की चार अवस्थाएं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये चार अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? चार महाचिन्ह। अगला है, घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। अगला है, सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये 99। अगला है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामान व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन कर्ता माना जाता है। उसकी शासन अवधि थी 1211 से 1236 ईस्वी तक। अगला है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहां पनाह नगर। अगला है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से हुआ युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेर शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना अमुक्त मलक माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताएं? तो ये बिम्बिसार और अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। अगला है, भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थीं, तक्षला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। अगला है, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण, तीनों धर्मों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था?
चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश की कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रख रखाव। अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? कवि अमीर खुसरो। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अभेद्य दुर्ग पर अधिकार करना। अगला क्वेश्चन है, उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उनका बहुत प्रभाव रहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम में धर्म सापेक्ष करवा रखा था। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो ये थे रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसने क्या उपाधि दी? तो यह चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार के निर्धारित किया गया? हड़प्पा संस्कृति आग इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति थी। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। याद रखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी डेट है 2300 से 1750। अगला है, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। अगला क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पेशनहारी है। सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? यह भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना जा गया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अगला, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फाहान की यात्रा के विवरण में। अगला, गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। ये महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था हुआ। अगला एक खुतबा क्या था, इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईंटों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था, दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला क्वेश्चन है, सबसे सूफी सिलसिला कौन था, कौन सा था, तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्त या सिलसिला, इसके संस्थापक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला है, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी पद्धति संगीत संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगीत।